हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं देखिए नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ गोश्त। चलिए खोल के दिखाते हैं गोश्त। ये देखिए हमारा भुना है गोश्त। इसमें हमने लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चें, सारी चीज़ें हमने इसमें एक ही साथ में डाल दी हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारा अच्छी तरीके से भुना है हमारा गोश्त, और इसमें इसे हम चला करके देखते हैं। ये देखिए हमारा भुनने वाला है, मसाले में तेल छोड़ दिया है। ये देखिए अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। 15 मिनट हो गए हैं हमारे गोश्त को पकते हुए, और इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं आलू। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू। ये देखिए दोस्तों, हमने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 2 मिनट के लिए इन्हें आलू के लिए मसाले में ऐसे भुनने देंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। ढक करके हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं मीडियम गैस पर। ये देखिए दोस्तों, हमने 5 मिनट के लिए हमने आलू और गोश्त खूब अच्छे तरीके से भून लिया है, और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने भुना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी एक बार ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो ये कैसी लग रही है। दोस्तों अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पानी लगा करके हम एक बार इसको चला देते हैं। और पानी दोस्तों आप उतना ही लगाना जितना आपको चाहिए। और दोस्तों इसे गोश्त के लिए हम 15-20 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि इसका पानी सारा अच्छी तरीके से पक जाए। और दोस्तों देखिए, मेरे चावल भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैंने चावल पूरे पका के तैयार कर लिए हैं। वाइट कलर के मैंने चावल पकाए हैं। ये देखिए सादा बिल्कुल सिंपल, पानी डाला है, चावल डाले हैं, नमक डाला है। तो चावल यहाँ पे मेरे रेडी हो गए हैं। आज मैंने बनाया गोश्त चावल। ये देखिए ढक देते हैं। दोस्तों हमारा गोश्त देखिए पक के रेडी हो गया है, और इसी टाइम पर आके हम इसमें डालते हैं गरम मसाला। डाल रहे हैं दोस्तों गरम मसाला। अब दोस्तों इसमें ऐड कर रहे हैं हम कुछ गरम मसाला। ये देखिए फ्रेश गरम मसाला। ढक देते हैं दोस्तों 2 सेकंड के लिए, फिर आपको दिखाएंगे हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों हमारी थाली देखिए हो गई तैयार, और गोश्त देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं कोई अच्छी रेसिपी के साथ में, कोई नई रेसिपी के साथ में। दोस्तों मिलते हैं कोई अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके लिए हमारी रेसिपी ये कैसी लगी। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय।